पार्टी की हिदायत के मुताबिक जेएनयू के आजादी मार्च को यहाँ वेलकम करने और यहाँ से सहयोग करने के लिए आए हैं। मेरी आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि हम यहाँ से थोड़ी देर में रवाना होंगे। जेयूआई का आगे कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर हम जाएंगे, उनके साथ ज़्यादा एकजहती करेंगे, उनके साथ वहाँ बैठेंगे, वहाँ जो तकारीर होगी उसमें हम शामिल होंगे। लेकिन एक मेरी गुजारिश है सारे साथियों से कि कोई कारकुन हमारा बगैर टोपी और बगैर झंडे के नहीं होना चाहिए। या आपके पास झंडा होना चाहिए, या आपके पास झंडा होना चाहिए, या आपके पास टोपियाँ होनी चाहिए। कैप्स हमारे पास मौजूद हैं, कुछ लोगों को मिल गई है, कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर पहने ताकि पता चले कि पीपल्स पार्टी के कारकुन इस कारवां को पार्टी के हुक्म के मुताबिक यहाँ से रवाना करने के लिए मौजूद हैं। आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो भी और जो आ रहे हैं उनको भी ये बताएं कि हम सब लोग एक साथ यहाँ से जाएंगे और जब तक जेयूआई का आज़ादी मार्च यहाँ से रवाना नहीं होगा हम सब वहाँ मौजूद होंगे। उनकी रवानगी के बाद हम वापस आएंगे और फिर आप आज़ाद हैं, अपने अपने घरों को चले जाएं, अपने अपने इलाकों में चले जाइएगा। मैं रज़ा रब्बानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के इस इज्तम में वो आए हैं, हमें लीड करेंगे और हम इनकी सरबराही में, इनकी क्यादत में जे यू आई के काफिले में जाएंगे। मैं रज़ा रब्बानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ अपनी बातें करें, उसके बाद हम आगे चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जम्हूरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे दोस्तों, भाइयों, जियालों, जिए भुट्टो, जिए आवाम। सबसे पहले तो मैं कराची डिवीजन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने पार्टी की हदायत के ऊपर आप सबको यहाँ पे अल आसिफ स्क्वायर पे जमा किया ताकि जेयूआई की जो आज़ादी मार्च है उसमें उनको हम यहाँ से रुख्सत कर सकें। मैं यहाँ पे ये भी बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सिंध में और पंजाब के अंदर जेयूआई की मार्च का इस्तकबाल करेगी और उनको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक अलविदा करेगी। इसके अलावा पार्टी के चेयरपर्सन जनाब भुट्टो साहब का, बिलावल भुट्टो का अपना मार्च और अपना इत्तेजाजी दौरा शुरू है। उन्होंने मुख्तलिफ सिंध के इलाकों में इत्तेजाजी जलसों से खिताब किया है और सिंध मुकम्मल करने के बाद वो सदन पंजाब के अंदर दाखिल होंगे, क्योंकि हम ये बात वाज़े तौर पे समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत और पाकिस्तान, वफाक पाकिस्तान इकट्ठा नहीं चल सकते। मौजूदा हुकूमत के दौर के अंदर गरीब आदमी का चूल्हा बंद हो चुका है, मौजूदा हुकूमत के दौर के अंदर गरीब वर्कर्स को नौकरियों से निकाला जा रहा है और सरमायादारों को खुली छुट्टी जो है वो दी जा रही है और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो बैनुल अक्वामी मालियाती साम्राज्य हैं उनके कहने के ऊपर ये तमाम की तमाम पॉलिसीज अपनाई जा रही है। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रिश्ता जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कायम किया था और जो जिसका तसलसल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके चली थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रिश्ता पाकिस्तान के गरीब और मेहनत कश अवाम के साथ जोड़ के रखेगी और जो पाकिस्तान के गरीब और मेहनत कश अवाम के मसाइल हैं उन मसाइल की जिद्दोजहद के लिए हम
पार्टी के चेयरमैन की क़यादत के अंदर आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द मौजूदा हुकूमत से अवाम का और वफाके पाकिस्तान का छुटकारा होगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत वफाक को भी कमजोर कर रही है और आइन के तमाम तर जाब्तों की खिलाफ वर्जी कर रही है। आखिर में मैं आपसे इस्तेदा करूंगा कि मेरे साथ आवाज से आवाज मिलाएं, ताकि ये नारा ना सिर्फ कराची के हर कोने में सुना जाए, बल्कि इक्तदार में बैठे हुए लोग इस्लामाबाद में इस नारे को सुन के लरज उठे और वो नारा आपका और मेरा सबका जाना पहचाना नारा है। पुट्टोते नारे बजेंगे, 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 पुट्टोते नारे बजेंगे। आजादी मार्च का जो मकसद है वो खात्मा है। मैं आप तमाम साथियों से जो यहाँ मौजूद हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि नारों का जवाब दें, ताकि ये नारे इस्लामाबाद तक पहुंचे और जब ये एहतजाजी मार्च इस्लामाबाद पहुंचे, जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कारवां पंजाब पहुंचे, तो इस हुकूमत को मजबूर करें कि वो इस्तीफा दे और इस मुल्क के गरीबों की लोगों की जान छोड़े। नारे में जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए और आवाज ऊंची होनी चाहिए। मुखिया तेरा शो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, मुखिया तेरा शो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, मुखिया तेरा शो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, एक रुपए के दो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, एक रुपए के दो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, बहने तेरी चोर न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, टब्बर तेरा चोर न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, एक टके के दो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, मुखिया तेरा शो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, कोक पी के सो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, कोक पी के सो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, जान तू अब छोड़ न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, जान तू अब छोड़ न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, मुखिया तेरा शो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, ओ न्याजी, ओ न्याजी, नारा भुट्टो जिंदाबाद। मैं लाला रहीम अगर मेरी आवाज सुन रहा हो तो मेरी गुजारिश है कि जो पार्टी की कैब्स हैं, अगर जो दोस्त तकसीम कर रहे हैं, जिनके पास कैब्स नहीं है उनको दें, और अगर कैब्स नहीं है तो जो झंडे हैं वो सबको दें, ताकि ये सब तैयारी के साथ पीपल्स पार्टी का कारवां थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हो और फिर हम जेयूआई के कैंप में जाकर उनको ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।